थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट शीट नंबर 54 में है, इसके ऊपर बड़ा बड़ा लिख लो नॉट फॉर एनसीईआरटी, लिख लो नॉट फॉर एनसीईआरटी, नहीं पढ़ना बिल्कुल भी, ठीक है। मेंस में अगर आएगा तो बहुत रेयर चांस है, पर इक्का दुक्का क्वेश्चन मेंस और नीट में आया हुआ है एक दो बार, वही सेम क्वेश्चन मेंस का भी अगर बहुत रेयर चांस है, नीट का भी रेयर है, लेकिन एक दो क्वेश्चन दिखे हुए हैं, मैं बता देता हूं वो एक दो क्वेश्चन कौन से हैं, आएंगे तो वही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये बताया गया है कि आप सबसे पहले एक थर्मोकपल लें। थर्मोकपल क्या होता है? थर्मोकपल होता है दो डिफरेंट किस्म की वायर्स जब कनेक्ट की जाती हैं जंक्शंस के क्रॉस, तो वो थर्मोकपल कहलाता है, जैसे आयरन गोल्ड, जैसे सिल्वर कॉपर, कुछ भी थर्मोकपल है। आप क्या करें, एक का टेम्परेचर गर्म कर दें, एक का ठंडा कर दें, इनमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में फर्क है, किसी में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, किसी में कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो एनर्जी लेंगे, हॉट एंड हॉट और कोल्ड मूव करेंगे और करंट जनरेट होगा, चाहे बिल्कुल थोड़ा होगा, करंट बहुत छोटा होता है इसमें, पर होगा तो होगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये थर्मोकपल के अंदर पहली बार किसने बताया था? सीबेक ने। तो इसका नाम क्या है? सीबेक इफेक्ट। सीबेक इफेक्ट क्या है? थर्मोकपल लो, अलग अलग किस्म की वायर लो, एक गर्म एक ठंडा करो, करंट आएगा या ईएमएफ डेवलप हो जाएगी इसमें, जो ईएमएफ डेवलप होगी वो किसने बताया? सीबेक ने बताया। इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और क्वेश्चन में एक्सपेरिमेंट के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि मान लो आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में आपने थर्मोकपल लिया, थर्मोकपल में ये एक्सिस टेम्परेचर डिफरेंस का एक्सिस है और ये एक्सिस जो है वो किसका है? ईएमएफ जनरेटेड का, इसको बोलते हैं थर्मो ईएमएफ, थर्मो ईएमएफ का। तो जैसे एक है कोल्ड जंक्शन, एक है हॉट जंक्शन, हम कोल्ड का टेम्परेचर ना जीरो फिक्स कर देते हैं, हॉट को बढ़ाते जाते हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस अपने आप बढ़ता जाता है। तो मान लो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन ये रहा थीटा सी, आप टेम्परेचर हॉट का बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ता जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। वो कहता है एक्सपेरिमेंटल है, जब आप टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ाएंगे पहले ईएमएफ बढ़ेगी 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 और बढ़ाएंगे और बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, तो ईएमएफ यहां पर क्या होगी? मैक्सिमम। उसके बाद और बढ़ाने पर ईएमएफ बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, तो ये कम हो जाएगी। ये खास किस्म का टेम्परेचर है हॉट जंक्शन का, जब थर्मो ईएमएफ मैक्सिमम हो गई, इस टेम्परेचर को बोलते हैं न्यूट्रल टेम्परेचर थीटा एन। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अगर और बढ़ाएंगे तो ये नेगेटिव ईएमएफ स्टार्ट हो जाती है, यानी करंट अपनी डायरेक्शन क्या कर लेता है? चेंज। इसको बोलते हैं टेम्परेचर ऑफ इनवर्जन। तो तीन किस्म के टेम्परेचर हैं, कोल्ड, न्यूट्रल और इनवर्जन। और ये देखा गया किसी भी थर्मोकपल में ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है वो बराबर होता है, तो इनमें डिस्टेंस क्या है? थीटा एन माइनस थीटा सी, और इनमें डिस्टेंस क्या है? थीटा आई माइनस थीटा एन। तो यहां से 2 थीटा एन इज इक्वल टू थीटा आई प्लस थीटा सी, तो थीटा ऑफ एन क्या होगा? थीटा आई प्लस थीटा सी डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला अपने फॉर्मूला बुकलेट में नोट करें, ये बनाएं ग्राफ और ये नोट करें, क्वेश्चन नंबर 1 इस पे आ सकता है। थ्योरी कोई ना पढ़े घर जाके, कुछ नहीं आना, जो काम की चीज है फॉर्मूला बुकलेट में नोट कर लें, बस वही आना है। तो पहला पॉइंट है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है, नीट में या मेंस में हो सकता है कुछ थ्योरी पे क्वेश्चन आए, तो ये अंडरलाइन कर लेना। जो न्यूट्रल टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है किसी भी थर्मोकपल का, थर्मोकपल चेंज होगा, मटेरियल चेंज होगा, न्यूट्रल चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा।
डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटीरियल पे डिपेंड करता है, बता दिया, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन है, ठीक है यहाँ तक। और ऐसी ये भी आ सकता है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मटीरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, ये अंडरलाइन कर लें। नेक्स्ट है सी बैक कोफिशेंट या थर्मो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, जो ईएमएफ जनरेट हुई टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, एस पावर बोलते हैं या सी बैक कोफिशेंट बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला है। अब इसमें ये नोट कर लें अपने फॉर्मूला बुकलेट में, एक तो ये नोट कर लें सी बैक कोफिशेंट या थर्मो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला, जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था अभी ईएमएफ का विद टेम्परेचर डिफरेंस थीटा, तो ग्राफ ऐसा आया था, पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन ये गिवन होती है, ये पैराबोला की इक्वेशन है इसमें, तो ये नोट करें पैराबोला की इक्वेशन है, थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ की ये इक्वेशन है, तो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ इसके इक्वल है। अब मुझे पता है कि इस क्वेश्चन में जब टॉप मोस्ट पीक आ जाती है तो थर्मो ईएमएफ यहां पर क्या हो जाती है, मैक्सिमम, तो ईएमएफ की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। इस किस्म के टेम्परेचर को ऐसा कब होगा, जब टेम्परेचर क्या होगा, न्यूट्रल। तो जब कोई भी चीज मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम कांस्टेंट, तो डी ई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि डी ई बाई डी थीटा इसकी स्लोप है, स्लोप जीरो में जब आप ई की वैल्यू ये पुट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जो निकल के टेम्परेचर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल टेम्परेचर। तो एक तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला नोट करें न्यूट्रल टेम्परेचर का, न्यूट्रल टेम्परेचर माइनस अल्फा बाई बीटा, एक तो ये वाला थर्मो ईएमएफ का फॉर्मूला, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला न्यूट्रल टेम्परेचर का। अब इसके बेस पे एक और अफेक्ट का, पेल्टियर अफेक्ट, पेल्टियर अफेक्ट सी बैक अफेक्ट का उल्टा है, मतलब कि यहाँ पर एक बैटरी लगा दो पेल्टियर बोलता है और हॉट कोल्ड मत करो, तो थर्मोकपल में जब करंट जाएगा बैटरी से तो जंक्शन अपने आप गर्म ठंडे हो जाएंगे। सी बैक क्या कहता था कि हॉट कोल्ड आप करो, बैटरी मत लगाओ, ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। पेल्टियर कहता है कि ईएमएफ की वैल्यू आप जनरेट करो, जंक्शन गर्म ठंडे हो जाएंगे, बस ये इसका अफेक्ट है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना और कुछ भी नहीं करना। तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है सीधा उसी पे आते हैं, एक मिनट। तो इसके लिए शीट नंबर 32, शीट नंबर 32 में बिल्कुल आखिरी में एक तो ये क्वेश्चन, ये वाला ऐसा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पढ़े, ईएमएफ ई थीटा के साथ ऐसे चेंज हो रही है। मैंने इक्वेशन आपको अल्फा बीटा की फॉर्म में करवाई थी, ये दे रहा है अल्फा बीटा दे दिया उसने। व्हाट इज द न्यूट्रल टेम्परेचर, न्यूट्रल टेम्परेचर पर क्या होता है, ईएमएफ मैक्सिमम होती है, तो डी ई बाई डी थीटा जीरो हो जाएगा, ई की वैल्यू पुट कर दें, इसे डिफ्रेंशिएट कर दें, तो ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर आएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। आंसर, आंसर
ऐसी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है यहां तक? जैसे इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में जंक्शन ऑफ निकल कॉपर थर्मोकपल आर मेंटेन्ड एट 0 एंड 100, तो लोएस्ट टेम्परेचर और हाईएस्ट पता है, टेम्परेचर डिफरेंस क्या है 100 माइनस 0। कैलकुलेट सीबैक ईएमएफ, सीबैक ईएमएफ क्या होती है, तो सीबैक ईएमएफ मतलब ईएमएफ ही बोलते हैं। तो ईएमएफ का ये फॉर्मूला किया हमने, आपको ए पता है, आपको इसमें बी की पता है, अल्फा बीटा पता है, आपको थीटा पता है 100, पुट करके आंसर एक वैल्यू पुट करनी है। और दूसरा इसमें क्या निकालना है, फाइंड दी न्यूट्रल टेम्परेचर, न्यूट्रल टेम्परेचर का फॉर्मूला भी क्या नोट किया था, माइनस ए बाई बी आंसर। तीसरा क्या निकालना है, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, अभी क्या फॉर्मूला करवाया था न्यूट्रल का, मैंने फॉर्मूला करवाया था न्यूट्रल टेम्परेचर इज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड एंड टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन आ जाएगा, गिवन गिवन आंसर, क्योंकि कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर जो है वो क्या होता है इसमें 0 आंसर। तो पॉइंट क्लियर है कि कैसे करना है, मतलब बहुत रेयर चांस है, अगर आया तो एक आइडिया दे रहा हूं कि कैसे करना है। इसके अलावा जो गिवन होता है वैसे 0, वैसे अगर नहीं होगा बाय डिफॉल्ट 0 ले लेना, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस मैटर करता है, यहां पर टेम्परेचर ऑफ हॉट नहीं मैटर कर रहा, वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो। तो एक तो ये पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट इसके अंदर जो सब्जेक्टिव शीट है, हैंड रिटन शीट है, उसमें 55 नंबर आखिरी शीट है, बुकलेट खत्म है आपकी वाली, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट लिख लो, नॉट फॉर एनसीईआरटी, नॉट फॉर एनसीईआरटी। मेरे हिसाब से मेंस और नीट के लिए भी करने की जरूरत नहीं है, नहीं आते क्वेश्चन, उसका रीजन है ये पहले सीबीएसई में हुआ करता था, बहुत पहले हट गया, क्योंकि इसके अंदर केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट है, आपने करंट पास किया वो आयंस में ब्रेक हो गया, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस समझाता है ये, और इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में फेराडेज लॉ आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आता है, एम इज इक्वल टू जेड आई टी आता है, क्या होगा केमिस्ट्री में आपने कितना डिपॉजिट हुआ, तो ये पार्ट ओवरलैपिंग था, तो फिजिक्स से हट गया केमिस्ट्री में चला गया, इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आते नहीं, बस कह के छोड़ रहा हूँ। केमिस्ट्री अगर आ भी जाए तो केमिस्ट्री की हेल्प से इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैन बी कैलकुलेटेड, बात ही खत्म है, तो हमें करने की जरूरत नहीं है इसे, आप इसको मत करना, मैंने प्राइमरी पर चेक कर लिए वैसे आई नहीं हुए, नहीं आता।